मुझे 2 ढाई साल पहले से रात को सोते समय लिक्विड और खाना कुछ बाहर निकल जाता था। ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और उसके बाद मैं चलने 1-2 चक्कर लगाए थे और लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी थी और शाम को भी खाना लिया था हल्का सा और उसके बाद नींद अच्छे से आई मुझे पूरी। पहले जो सारी दिक्कतें आती थी, अटकन आती थी, रात में बाहर निकलता था, वो सारी चीजें अब बंद हो गई हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम पवन सोमानी है, मैं कपासन राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मुझे 2 ढाई साल पहले से रात को सोते समय लिक्विड और खाना कुछ बाहर निकल जाता था नाक से, तो वहाँ स्टार्टिंग में 2-3 डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने सबने एसिड रिफ्लक्स बोला, उसका टेस्ट कराया पर साल भर से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे जो प्रॉब्लम थी वो वैसे ही थी। फिर मैंने चिराग ठक्कर सर के बारे में सुना तो यहाँ आया, तो यहाँ आते ही उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ही पकड़ा कि आपके एसिड रिफ्लक्स नहीं और इसका जस्ट अपोजिट एक्लेजिया कार्डिया बीमारी है। तो और उन्होंने फिर एक्लेजिया कार्डिया का मेरे सारे मैनोमेट्री टेस्ट और 2-3 टेस्ट थे वो कराए सारे। उसके बाद उन्होंने सर्जरी का ही ऑप्शन दिया कि इस बीमारी में केवल सर्जरी ही ऑप्शन है, ये दवाई खाने से इसका कोई असर नहीं होता। तो मैंने उस समय तो लगभग 6 महीने पहले दिखाया था। उसके बाद एक बार एक दो डॉक्टर से और कंसल्ट किया, सबने यही बोला और एक डॉक्टर ने टेबलेट भी दी और वो टेबलेट वास्तव में बहुत हेवी टेबलेट रहती है और उससे शरीर को नुकसान ही रहता है। तो एक जगह ऑप्शन यही है कि आप सर्जरी करा, इसमें भी डॉक्टर ने बोला था कि एक तो पोयम सर्जरी है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। पोयम सर्जरी में ये वापस एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत होने का रहता है, जबकि इसमें लेप्रोस्कोपिक में आगे परमानेंट सॉल्यूशन है। कल सुबह मैं यहाँ एडमिट हुआ था और दोपहर को मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और उसके बाद मैं चलने 1-2 चक्कर लगाए थे और लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी थी और शाम को भी खाना लिया था हल्का सा और उसके बाद नींद अच्छे से आई मुझे पूरी और सुबह अभी भी मैं आराम से चल फिर रहा हूँ। अभी सुबह ब्रेकफास्ट किया है मैंने और अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि डिस्चार्ज हो जाएगा आज ही मेरा। तो ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, ऐसा कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं। मुझे एक्लेजिया कार्डिया बीमारी थी। 2 दिन पहले ही मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसका लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे ही मेरा डिस्चार्ज हो गया था और उसके बाद ही मैंने खाना पीना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट उस दिन इवनिंग में ही स्टार्ट हो गया था और अभी मैं हल्का फुल्का हल्की डाइट ले रहा हूँ और मुझे अब कहीं अटकन कोई महसूस नहीं हो रही है और पहले जो वॉमिट होती थी वो भी नहीं हुई है और 2 दिन से मैं नॉर्मल अपने जो लाइफ स्टाइल है वो स्टार्ट हो गई है, नॉर्मल रूटीन। आज मैं 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए आया हूँ और अभी डॉक्टर से चेकअप हो गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ। मुझे लगभग 2-2.5 साल से एक्लिजिया की प्रॉब्लम थी और 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था चिराग सर के द्वारा और लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन था वो। ऑपरेशन के अगले दिन ही मतलब मैं नॉर्मल चल फिर सक रहा था और आज उसको 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने बाद मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ और कई अटकन कुछ महसूस नहीं हो रही है, आराम से मेरा सब खाना पीना हो रहा है।